नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत अभियान में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, उसके ही आज तीसरे दिन की मीडिया ब्रीफिंग में हम आपके सामने उपस्थित हैं। और आज कृषि के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। कृषि अगर किसान केंद्रित नहीं होगी, किसान कल्याण के लिए नहीं होगी, तो मुझे लगता है अधूरा रह जाता है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका नाम भी कृषि किसान कल्याण मंत्रालय जैसा रखा था। तो किसानों के कल्याण के लिए लगातार पिछले 5-6 वर्षों में कदम उठाए गए, चाहे वो पीएम किसान योजना है कि साल में 6,000 रुपया किसानों के खाते में सीधा जाएगा, करोड़ों किसानों का आज सीधा उसका लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बाढ़ सूखे के समय उनको भरपाई होना, सॉयल हेल्थ कार्ड बनाकर उनकी ज़मीन के बारे में बताना, ये बहुत सारे कदम पूर्व में उठाए गए। और पिछले कल भी जब हमने प्रवासी मजदूर उनकी समस्याओं को लेकर बहुत सारे मोदी सरकार की ओर से उनके लिए कदम उठाए, तो उसमें दो बातें हमने फार्मर्स के लिए भी किसानों के लिए भी कही थी। और उसमें 30,000 करोड़ रुपये की जो अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी की हमने बात कही, ये 90,000 करोड़ के अलावा थी जो किसानों के लिए नबार्ड के माध्यम से लगभग 3 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। और 2 लाख क्रेडिट कार्ड बनाकर उनको लगभग 2 लाख करोड़ का जो हमने लाभ देना था 2.5 करोड़ किसानों को, उसकी विशेष मुहिम चलाई जाएगी। ये पिछले कल हम आपने आपके सामने रखा था। आज कुछ और कदम उस दिशा में हम उठाने वाले हैं, जिसके 11 बिंदु होंगे, उसकी जानकारी अब हम आपको देंगे। कोविड-19 के दौरान पिछले 2 महीनों में बहुत सारे कदम किसानों के हित में उठाए गए और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए लगभग 74,300 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो सीधा किसानों को गया है उनकी खरीद करने के लिए उत्पाद की। और इसके अलावा जो पीएम किसान योजना है, उसके अंतर्गत 18,700 करोड़ रुपया पिछले 2 महीनों में किसानों के खाते में सीधा डाला गया है। फसल बीमा योजना के माध्यम से भी जो उनके क्लेम्स मिलने थे, वो 6,400 करोड़ रुपये के क्लेम किसानों को मिले हैं। और यही नहीं, पशुपालन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किसान की ज़िंदगी का, एक अतिरिक्त आय का साधन बनने के लिए। लेकिन दूध की खपत कम हुई और कुल 360 लाख लीटर दूध जो प्रतिदिन पहले वो खरीदते थे, उसकी बजाय 560 लाख लीटर प्रतिदिन उन्होंने दूध खरीदा है, जिसके चलते कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपये की एडिशनल लिक्विडिटी की जो मदद है, वो 2 करोड़ किसानों को इस योजना के माध्यम से की गई। और कुल मिलाकर 2% जो है वो ब्याज अनुदान उनको दिया गया। और जिन्होंने जल्द पेमेंट की, प्रॉम्प्ट पेमेंट की है या इंटरेस्ट सर्विस समय पर किया है, उनको अतिरिक्त ब्याज अनुदान 2% और दिया गया है। तो कुल मिलाकर 2 करोड़ किसानों को 5,000 करोड़ रुपये का लाभ इसमें हुआ, उनको भुगतान हुआ है। और कुल मिलाकर 111 करोड़ लीटर एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट इसमें हुई, जो लगभग 4100 करोड़ रुपये की है। पिछले 2 महीनों में 242 नई श्रिम्प हैचरीज को रजिस्ट्रेशन दी गई, और जो रेयरिंग हैचरीज जिनकी एक्सपायरी 31 मार्च को हो रही थी, उसको 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई है। और बाकी ऑपरेशंस भी मरीन कैप्चरिंग के लिए जो थे उनको, और एक्वाकल्चर के लिए जो रिलैक्सेशन देनी थी वो भी दी गई, और जो 4 घोषणाएं हमने इनको लेकर पहले की थी उनको भी लागू कर दिया गया है। मत्स्य पालन को लेकर, हमारा किसान बाढ़ हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, अपना पसीना बहाकर 137 करोड़ भारतीयों का पेट तो भरता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपोर्ट करने में मदद करता है। लेकिन भंडारण की कमियां होने के कारण कई बार, और मूल्य संवर्धन के अवसर ना होने के कारण कमी रह जाती थी। उस कमी को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसमें चाहे कोल्ड चेन हो या फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने के लिए जो भी सुविधाएं वैल्यू चेन के लिए बनानी है वो उसमें बनाई जाएंगी। और इससे लाभ मिलेगा मूल्य संवर्धन के लिए भी, भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए भी, और कुल मिलाकर किसान की आय को भी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। और भारत
ना केवल अपनी मांग को पूरी कर पाएगा, एक्सपोर्ट करने में भी इसकी आने वाले समय में बहुत मदद मिलेगी। और ये जो है इसका जो लाभ होगा वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हो जो किसान उत्पादक संघ हैं, या कृषि उद्यमी हो, स्टार्टअप्स हो, एग्रीगेटर्स हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के क्षेत्र में लाते हैं, ये सब इनके माध्यम से आधारभूत ढांचा कृषि के क्षेत्र में उनके फार्म गेट पर खड़ा किया जाएगा ताकि इन सुविधाओं का लाभ मिल सके और इस फंड को जल्दी क्रिएट करके शुरुआत की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल के लिए वोकल और लोकल से ग्लोबल, ये अपने आत्मनिर्भर भारत के पूरे उस दिन के संबोधन में देश के सामने बात रखी, और उसी दिशा में एक और ये बड़ा कदम है कि किस तरह से असंगठित क्षेत्र के हमारे जो सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयां हैं उनको संगठित किया जा सके, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जा सके, तकनीकी उनको जानकारी दी जा सके, ब्रांड बनाने में, मार्केटिंग करने में उनको लाभ मिल सके, और इसी कार्य के लिए सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना हम ये लेकर आए हैं जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। जब 2 लाख को मिलेगा तो समझ लीजिए लाखों लोग जो इससे जुड़े उनको भी रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और आय के साधन भी बढ़ेंगे, तो किसानों के लिए एक बड़ी बात ये होगी। क्लस्टर बेस्ड पे हमने इसलिए कहा कि मान लीजिए कश्मीर में केसर है, नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू शूट्स हैं, आंध्रा में चिल्ली है, उत्तर प्रदेश का आम है, तमिलनाडु का टर्मिक है, ऐसे बिहार का मखाना हो, तो इस सब बातों को लेकर, यानी कि सभी राज्यों को तो आज नहीं कह सकते लेकिन हर जगह जहाँ जहाँ जो क्लस्टर अप्रोच बनाई जा सकती है, इसके माध्यम से इनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी होगी, मार्केटिंग ब्रांडिंग भी होगी, आय के साधन भी बढ़ेंगे, उस दिशा में बढ़ने के लिए 10,000 करोड़ रुपया इसके लिए प्रावधान किया गया। पिछले कल जब हमने 2.5 करोड़ किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपया देने की बात कही थी तो उसमें मछुआरे और पशुपालकों की बात भी कही थी। उसी दिशा में आज एक और बड़ा कदम है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके माध्यम से इसके लिए हमने 20,000 करोड़ रुपये का ये योजना लेकर आए हैं, और इसमें जो कमियां थी पूरी वैल्यू चेन में उसको पूरा करने का एक प्रयास है ताकि हमारे मछुआरे भाई बहन इनको समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में इनका सम्मिलित विकास हो सके और उसको बल मिले। 11,000 करोड़ रुपया इसके लिए समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए एक्वाकल्चर की गतिविधियों के लिए मिलेगा, और 9,000 करोड़ रुपया इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, चाहे वो फिशिंग हार्बर हो, कोल्ड चेन हो, मार्केटिंग की सुविधा हो, मंडियों की बात हो, इस सब के लिए उनको 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। और इससे हमारी जो फिश प्रोडक्शन है, मछली का उत्पादन है, वो भी अतिरिक्त जो होगा, अतिरिक्त मछली उत्पादन जो होगा वो 70 लाख टन अगले 5 वर्षों में होगा, 55 लाख लोगों को इससे रोजगार मिल पाएगा, और 1 लाख करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होगा जो लगभग दुगना हो जाएगा। तो आप कल्पना कीजिए कि आने वाले वर्षों में कितना लाभ रोजगार और एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात के लिए भी इस योजना के माध्यम से मिलेगा। देखा जाए तो दुनिया भर में भारत में सबसे ज़्यादा पशुधन वाले देशों में से एक हैं हम, और गाय हो, भैंस हो, भेड़ बकरी सुअर हो, ऐसे 53 करोड़ जो पशुओं का, जो एनिमल्स की बात करते हैं, उनके लिए टीकाकरण करने की योजना हम लेकर आए हैं जिसके ऊपर लगभग 13,343 करोड़ रुपया खर्च होगा। और जो आम भाषा में कहा जाता है कि मुंह पका खुरपका रोग मुक्त हम इनको करेंगे, मुंह पका खुरपका रोग मुक्त हम इनको करेंगे, ऐसे 53 करोड़ पशुओं को इससे निजात मिलेगी। 13,343 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा, ये फुट एंड माउथ डिजीज से उनको मुक्ति मिलेगी। इससे हमारे प्रोडक्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और मांग बढ़ेगी और स्वीकारता बढ़ेगी, और इससे हमारे दूध उत्पादन में उसमें भी बढ़ोतरी होगी और पशुओं को भी एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलेगा।
पशुपालन में भी देश के किसान पीछे नहीं रहे, लेकिन आधारभूत ढांचा वहाँ पर भी सुधरे और इसीलिए पशुपालन सेक्टर में बुनियादी ढांचा के लिए ये विकास फंड बनाया गया है, जिसको एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कहा गया। 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें किया गया है ताकि जो दूध उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए इंडस्ट्री लग सके, मूल्य संवर्धन उसमें हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके, और जो पशु चारे के लिए प्लांट्स हैं, कैटल फीड प्लांट्स हैं, वो भी बन सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हो सके, ना केवल अपनी आपूर्ति के लिए स्थानीय मार्केट के लिए बल्कि एक्सपोर्ट करने के लिए भी इसमें बहुत अवसर मिलेंगे। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये का फंड ये पशुपालन सेक्टर के बुनियादी ढांचे के लिए दिया गया है। हर्बल कल्टिवेशन की प्रमोशन के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा और 10 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हो पाएगी, इसकी कल्टीवेशन होगी। 10 लाख हेक्टेयर लगभग 25 लाख एकड़ के बराबर है और इससे 5,000 करोड़ रुपये की आय किसानों की होगी। और यही नहीं, जन औषधि का बहुत महत्व भी है और कहीं ना कहीं मेडिसिनल प्लांट्स ने इस COVID-19 के समय में दिखाया है कि कैसे हमारे ट्रेडिशनल ये मेडिसिनल प्लांट्स आज भी बहुत काम सबके आए हैं। तो इसमें और जितनी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा उसका लाभ होगा। रीजनल मंडीज भी इसके लिए उसका नेटवर्क तैयार किया जाएगा और गंगा के किनारे भी ऐसे हज़ारों एकड़ में इसको प्लांटेशन की ड्राइव भी चलाई जाएगी। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की ये योजना लेकर आए हैं और इसके माध्यम से 2 लाख से ज़्यादा मधुमक्खी पालकों को उनकी आय में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर शहद भी मिलेगा। और यही नहीं, इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लिए कृषि आधारित जो मधुमक्खी पालन, ये उनका आय का एक अतिरिक्त साधन भी होगा। जो हमारे किसान हैं उनके लिए भी एक अवसर है, लोकल से ग्लोबल उस दिशा में भी इसका एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है कि ना केवल लोकल मार्केट के लिए, इसको निर्यात के लिए भी एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा सकता है। टॉप टू टोटल योजना में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये पहले अगर देखा जाए तो टोमेटो, ऑनियन और पोटैटोज़ के लिए दी जाती थी कि आपके लिए टमाटर, प्याज, आलू, इनके लिए प्रावधान था, लेकिन अब इसको बाकी सबके लिए भी संकट की घड़ी में जब COVID-19 के समय इसको 6 महीने के लिए एक पायलट के रूप में देखा जाएगा और इसकी सफलता को देखकर इसको आगे और बढ़ाया जा सकता है। यही नहीं, इससे बल ये मिलेगा कि जो खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते थे, खरीदे नहीं जाते थे या किसान को दबाव में आकर कम मूल्य पर बेचने पड़ते थे तो उसकी कमाई भी उससे कम होती थी और नुकसान भी होता था। अब इससे किसान को लाभ मिलेगा और ना केवल इसको टमाटर, प्याज और आलू तक सीमित रखा गया है, बाकियों को भी, इसको बाकी फल और सब्जियों को भी इसके अंतर्गत लाया गया है। इसमें 50% सब्सिडी जो है वो माल भाड़े पर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पर दी जाएगी और 50% सब्सिडी जो है वो स्टोरेज, अगर भंडारण करना होगा तो उसके लिए, इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज, यानी कि कोल्ड स्टोरेज में भी रखना होगा तो उसके लिए 50% सब्सिडी इसमें दी जाएगी ताकि वो अच्छे दाम पर समय आने पर बेच सके। कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए और निवेश बढ़ाने के लिए ताकि किसान को और ज़्यादा दाम अच्छे मिल सकें, इसके लिए उस कानून में बदलाव लाया जा रहा है जो 1955 से है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तुओं के लिए जो बनाया गया था। कहने के लिए इसमें बदलाव होगा, लेकिन जैसे MSME की परिभाषा में बदलाव करके एक बहुत बड़ा बदलाव उस क्षेत्र में आया है, उसी तरह से इस बदलाव से किसानों की आय में बढ़ोतरी की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो कहीं ना कहीं उसको कम दाम पर बेचने के लिए एक तरह से रुकना पड़ता था, कई और इसके नुकसान भी होते थे। अब उसके लिए भी इसमें अवसर निकल कर आएंगे,
जिससे आपके तिलहन की बात हो, दलहन की बात हो, प्याज हो, आलू हो ऐसे, या सीरियल्स की बात हम की जाए, इन सब में इनको अवनियमित किया जाएगा, डीरेगुलेट किया जाएगा, जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके। और अगर 100% वृद्धि खुदरा दाम में होती है जो हॉर्टिकल्चर के प्रोड्यूस हैं, या 50% की वृद्धि होती है जो गैर नाशवान पदार्थ हैं, नॉन पेरिशेबल हैं, तो उस समय में कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं तो उस समय में, और जो लोग फूड प्रोसेसिंग में हैं उनके लिए ऐसी कोई स्टॉक लिमिट ना हो जिससे कि उनके कामकाज में भी कोई प्रभाव ना पड़े और वैल्यू चेन में भी कोई उसका नुकसान ना हो और निर्यात करने वालों को भी कहीं पर दिक्कत ना आए। वी मूव टू द सेकंड। लेकिन राष्ट्रीय आपदा और सूखा ऐसी कोई परिस्थितियां आती हैं तो उस समय में सरकार समय समय पर कदम उठा सकती है। जहां किसानों की आय दुगना करने के लिए मोदी जी की सरकार ने संकल्प लिया है, वहीं पर ये कदम उस दिशा में उठाए भी जा रहे हैं, ताकि किसान या कृषि क्षेत्र एक अकेला ऐसा देखा जाता है जहां पर लाइसेंसी जो है उन्हीं को उनको सामान बेचना है, APMC के माध्यम से बेचना है, जिनके पास बाकी लाइसेंस है वहां तक सीमित रहना, जबकि बाकी क्षेत्रों में ऐसा होता नहीं है। किसान को भी बेहतर दाम मिल पाए और अंतर्राज्य व्यापार भी इससे उनका हो आने वाले समय में, उसमें भी कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए जो कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी वो भी करेंगे, और उसके उत्पादन के लिए, उसकी फसल के लिए उसको उचित मूल्य मिले, उस दिशा में एक बड़ा कदम ये उठाया गया है। और मुझे लगता है कि जो पिछला हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात कही और अभी इस कदम की बात कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इसमें बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, इनसे बहुत बड़ा बल किसानों को मिलने वाला है। इस देश के करोड़ों किसान जिनको बेहतर आमदन हो सकती है इन बदलाव के कारण। किसानों के लिए सुविधाजनक एक ऐसा कानूनी ढांचा बनाने के लिए कि जिसमें जब वो बुआई करने जाता है तब उसको पता नहीं कि फसल के समय उसको क्या दाम मिलने वाला है, तो निश्चित आय उसकी हो, एश्योर्ड रिटर्न्स हो, इसके लिए क्या किया जाए, जोखिम रहित खेती कैसे हो या उसकी आय कैसे बेहतर हो सके, और गुणवत्ता के मानकीकरण जो हैं उनको बनाने की बात यहाँ पर कही गई है इस टोटल फ्रेमवर्क में, जिससे कुल मिलाकर किसान के जीवन में सुधार भी आएगा, आय को भी बल मिलेंगे, और कहीं ना कहीं वो प्रोसेसर से, एग्रीगेटर से, बड़े खुर्दा व्यापारियों के साथ, निर्यातकों के साथ एक निष्पक्ष भाव के साथ, पारदर्शिता के साथ काम कर सकता है, ताकि किसान का उत्पीड़न ना हो, इस दिशा में कदम उठाया गया कि उसको एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाकर दिया जाए कि कोई भोले भाले किसान का उत्पीड़न ना करे, भोले भाले मेहनती किसान का उत्पीड़न ना हो, उस दिशा में ये जोखिम रहित ऐसा कानून बनाकर दिया जाएगा ताकि उसको आय के साधन भी मिले, निश्चित आय भी मिले और उसका उत्पीड़न भी ना हो, उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। रिफॉर्म्स उस दिशा में ये कदम है।